हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्राफ्ट स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में लाए हैं अल्टरनेटर। हम आज से अल्टरनेटर के प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अल्टरनेटर पर नेम प्लेट। ठीक है, ये हमारा थ्री फेज अल्टरनेटर है। ये देखिए, ये देख सकते हैं थ्री टर्मिनल है। ये हमारा थ्री फेज अल्टरनेटर है। अब हम इसकी नेम प्लेट देखते हैं। फ्रेम 132 और KVA रेटिंग 3.5 है। RPM हमारा 1500 है और बेयरिंग जो हमारी है 6206 है। और क्लास जो इंसुलेशन लगाया गया है उसमें वो हाई क्लास का इंसुलेशन लगाया गया। और बाइंडिंग की किस में की गई है, स्टार में। ठीक है, और ये तो हमारा कंपनी का नाम है। जो एम्पियर हम देख सकते हैं 4.2 एम्पियर है। और हमारा वोल्टेज है 415 वोल्ट है। ठीक है, NED 6204 है। और हमारा फील्ड वोल्टेज है वो जो 440 है। ठीक है, और फील्ड एम्पियर जो हमारी है वो फील्ड करंट है जो हमारी 1.5 एम्पियर है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे दोस्तों टर्मिनल टेस्टिंग। देखिए, हम किसमें क्या देखेंगे, टेस्ट एंड आइडेंटिफाई टर्मिनल ऑफ एन अल्टरनेटर। ठीक है, ये नेम प्लेट हमने देख लिया। यहाँ पे हम नेम प्लेट को फिलअप कर देंगे। उसके बाद में हम ये सर्किट डायग्राम बनाएंगे। थ्री फेज अल्टरनेटर है तो हम इस तरीके से सर्किट डायग्राम बनाएंगे पूरा। ये देखिए, ये सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अब हम इसमें पढ़ के देखते हैं क्या है। टर्मिनल ब्लॉक के क्षेत्र को लेपन की पहचान करें। ठीक है, केवल एक युग्म सीमांत उच्च प्रतिरोध के साथ स्वतंत्र तो होगा। ये उप क्षेत्र लेपन से संबंधित है। अन्य चार टर्मिनल को उसके बीच अभी भिन्नता दर्शाते हैं। स्टार संबंध मुक्त लेपन टर्मिनल को से संबंधित है। ठीक है, टर्मिनल पे से तीन टर्मिनल उनके बीच में तुल्यकालिक हाई प्रतिरोध देंगे। ये देखिए, ये जो दिखा टर्मिनल पे से तीन टर्मिनल उनके बीच कैसा देंगे, हाई प्रतिरोध व उच्च प्रतिरोध देंगे। तीन टर्मिनल हाई प्रतिरोध देंगे। ये तीन कुंडली के सिरे होंगे। UBW टर्मिनल कहते हैं, UBW टर्मिनल कहते हैं। अब हम इसमें डायग्राम में देखते हैं UBW टर्मिनल। ये UBW ये हमारा हाई प्रतिरोध देंगे। और बाकी के शेष बचे टर्मिनल, जबकि टर्मिनल UBW किसी टर्मिनल के बीच लगाए मापा जाए तो प्रतिरोध आधा मान दिखाएगा। यानी कि जो उनके बीच में दिखाएगा तो उसका आधा मान दिखाएगा। ये टर्मिनल उदासीन होंगे। इसे N की तरह अंकित करना होगा। UBW की तरह तीन कला टर्मिनलों के चिन्ह के प्रयोगात्मक है। कलानुक्रमापी की सहायता से ठीक कलानुक्रम यानी कि फेज सिक्वेंस मीटर से हम उसका फेज सिक्वेंस चेक करेंगे तथा केवल तभी टर्मिनल को UBW की तरह अंकित किया जा सकता है। सुविधा के लिए हम अंकित किया जा सकता है। प्रक्रिया को मूल विद्युत अभ्यास में वर्णन किया जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम इसकी जो टेबल बनाएंगे, सबसे पहले क्रम संख्या हम लिखेंगे। उसके बाद में युग्मों के बीच जो हम किस किस के बीच में हम प्रतिरोध देखेंगे, एक से दो के बीच में हम यहाँ पे प्रतिरोध नोट करेंगे। ओम में यहाँ पे कमेंट लिखेंगे क्या आ रहा है हमारा। और उसके बाद में दो से तीन के बीच में देखेंगे, तीन से चार के, एक से तीन के, एक से चार के, दो से चार के और पाँच से छः के। इस तरीके से हम सात रीडिंग नोट करेंगे। आगे हम देखते हैं हमारा रीडिंग क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इन टर्मिनल को चेक करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे टर्मिनल है, ये टर्मिनल हम खोल के इन्हें चेक करेंगे। इनका रेजिस्टेंस अलग अलग सबका रेजिस्टेंस हम इसमें नोट कर लेंगे कि UBW कौन सा है इस तरीके से, या एक दो तीन इस तरीके से हम नोट कर लेंगे। और इन सबके बीच में हम हमारा क्या रेजिस्टेंस चेक करेंगे, हम इसके टर्मिनल टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा टर्मिनल कौन सा है। ठीक, अल्टरनेटर के सिक्स टर्मिनल है। ये हमारा फर्स्ट टर्मिनल है 1, इसे टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, ठीक, टर्मिनल 4, टर्मिनल 5, टर्मिनल 6। अब हम इन टर्मिनलों के बीच में देखते हैं हमारा पहला हमारा बुक्स में क्या दिया है, एक से दो के बीच में। हम एक से दो के बीच में हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो कितना आता है हमारा। हमने ये पहले रेजिस्टेंस 200 ओम पे सेट कर लिया है। ठीक, हमारा रेजिस्टेंस 0 दिखा रहा है। हमारा रेजिस्टेंस ये इरर वाला एक है, ये हमारा रेजिस्टेंस नहीं है, ये हमारा 0 दिखा रहा है। तो हम टेबल में कितना 0 नोट कर लेंगे। ये हमने टेबल बना ली है, यहाँ पे हम 0 नोट कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे दो से तीन के बीच में, यानी कि इससे और इसके बीच में देखेंगे हम इन दो के, दो से और तीन के बीच में। ये हमारा दूसरा टर्मिनल है, ये तीसरा, यहाँ पे भी हमारा 0 ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी हम 0 नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम तीन से चार के बीच में देखेंगे। तीन से चार, ये हमारा थ्री टर्मिनल है और ये हमारा फोर्थ टर्मिनल है। हमने इसके और इसके बीच में देखा तो हमारा यहाँ पे भी 0 दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 0 नोट कर लेंगे। उसके बाद में एक से तीन के बीच में देखेंगे, ये हमारा एक टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल हमारा एक है, ये हमारा तीन टर्मिनल है। अब यहाँ पे देख देंगे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है 378 ओम। तो हम यहाँ पे 378 ओम रेजिस्टेंस 378 ओम नोट कर लेंगे। ठीक है, 378 हमने नोट कर लिया। अब हम कहाँ देखेंगे, एक से चार के बीच में, एक से चार के बीच में, इन दोनों के बीच में हम रेजिस्टेंस देखते हैं एक से चार के बीच में।
तो हमारा क्या दिखा रहा है, जीरो। ठीक है, एक से चार के बीच में हमारा रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है, जीरो। अब हम देखेंगे दो से चार के बीच में, दो से चार के बीच में हमारा रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है, ये हम इसकी रेंज बढ़ाते हैं, इसमें हम इसकी रेंज कम करते हैं। ठीक है, फिर हमें एक्यूरेट, ये हमने कंटिन्यूटी पे सेट कर रखा है, कंटिन्यूटी पे बीप की आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे होंगे, हम 200 ओम पे करते हैं। ठीक है, 200 ओम पे हमारा कितना रेजिस्टेंस दिखा रहा है, 3.1 ओम दिखा रहा है। ये देखिए 3.1 ओम रेजिस्टेंस दिखा रहा है, 3.1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम किसके 5 से 6 के बीच में देखेंगे, 5 से 6 के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में, तो हमारा कितना 5.5 ओम रेजिस्टेंस दिखा रहा है 5 से 6 के बीच में। ठीक है, ये हमारी रीडिंग से नोट होगी 5 से 5.7 ओम। ठीक है, 5.7 ओम। अब हम इसमें क्या देखते हैं, टर्मिनल पे से तीन टर्मिनल उनके बीच का तुल्यकालिक प्रतिरोध हाई उच्च प्रतिरोध होगा। थ्री का ये देखिए, ये थ्री का हमारा उच्च प्रतिरोध है, टर्मिनल एक से थ्री का, दो से चार का और 5 से 4 का, इनका प्रतिरोध हाई होगा। UW टर्मिनल कहते हैं, UW टर्मिनल कौन से, 1, 2, 3, इनका रेजिस्टेंस हाई होगा हमेशा। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा बाकी के जो टर्मिनल वो उदासीन की तरह काम करेंगे। ये देखिए, बाकी के जो टर्मिनल 0, 0, 0, ये हमारे उदासीन की तरह बात कर रहे हैं। अब हम इसके बाद में हम क्या देखेंगे अल्टरनेटर के अंदर, ये प्रैक्टिकल तो हमारा टेस्ट एंड आइडेंटिफाई और टर्मिनल जो हमारा वो कंप्लीट हो गया। हमें इसमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, कॉम्बिनेशन प्लायर, कनेक्शन लीड, ओममीटर तथा इलेक्ट्रीशियन नाइफ और तथा सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर, थ्री अल्टरनेटर। ठीक है, हमारे पास थ्री फेज अल्टरनेटर है, हम इसके टर्मिनल टेस्टिंग करके आपको दिखाए। ये हमारा ओममीटर की जगह हमने मल्टीमीटर यूज किया और मल्टीमीटर को हमने ओम पे ओममीटर पे की रेंज पे सेट किया। देखिए 200 ओम 2000 ओम 20 के भी इस तरीके से ये हमारी रेंज है मल्टीमीटर की। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में अल्टरनेटर की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसके कनेक्शन से किस तरीके से होते हैं, यानी कि ये वाला जो प्रैक्टिकल है हमारा टेस्ट द अल्टरनेटर द कंटिन्यूटी, हम अगले प्रैक्टिकल में हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे इसमें और उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।